के क्षेत्र के गांव गजूपुर में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट पर प्रधान द्वारा कब्जा कर वहां की भूमि पर लगे पेड़ों को कटवाने का आरोप गांव के वाल्मीकि समाज के लोगों ने लगाते हुए वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और वाल्मीकि समाज के शमशान घाट से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा। शिकायती पत्र देते हुए वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि ने बताया कि वाल्मीकि समाज के साथ हो रहे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जनपद मुरादाबाद के ही ग्राम गजूपुर विकासखंड पुनर्की से सामने आया है, जहां वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा वाल्मीकि समाज के शमशान भूमि पर अवैध कब्जा करना व खड़े हरे पेड़ कटवाना और वाल्मीकि समाज के पूर्वजों की समाधि को तोड़ने के वाक्य सामने आया है। पूरे मामले का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत वाल्मीकि समाज के ग्राम वासियों ने संबंधित थाना पुनर्की को की, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं गया, जिस कारण विवश होकर गांव के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शमशान भूमि को कब्जा मुक्त करवाकर दोषियों को सजा दिलवाने की बात कही गई। ज्ञापन देने वालों में सत्यम राही, अश्वनी कुमार थापा, सुंदर राही, लोकेश कुमार, दिनेश लाल, राकेश कुमार, बबलू सिंह, अतर सिंह, सुमर पाल, रणजीत सिंह, नरेश, करण सिंह वाल्मीकि, अमन वाल्मीकि आदि वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का पैसा मसीहा कहने वाले माननीय योगी जी की सरकार में आज वाल्मीकि समाज के साथ जनपद थाना कुंदरकी के अंतर्गत जनपद मुराद में वाल्मीकि समाज के जो शमशान भूमि है ग्राम गजूपुर का ये वाकया है, इसमें वाल्मीकि समाज के शमशान भूमि है, वहाँ वो लोग पुरखों से अपने पूर्वजों की अंतिम संस्कार करते चले आ रहे हैं, परंतु वहाँ का मौजूदा जो ग्राम प्रधान है उसने अवैध तरीके से उस शमशान भूमि पर कब्जा कर लिया। हमारे पूर्वजों की जो वहाँ समाधियाँ बनी थी उन्हें खंडित करा, उन्हें तोड़ा गया और वहाँ जो पेड़ पौधे हरे वृक्ष बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे उनको अवैध तरीके से कटान किया गया। और एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि उस शमशान भूमि में वहाँ ग्रामीण का पूरे गांव गंदा पानी वहाँ निकाला जा रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय है, ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। तो हम इसी बात को लेकर के माननीय एसएसपी साहब के साथ पास एक प्रार्थना पत्र लेकर पहुँचे थे। क्या आश्वासन दिया गया कप्तान द्वारा? कप्तान साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द अभियुक्तों के खिलाफ उक्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। धन्यवाद। जयसिंह जवाहर, ये हमारे ग्राम है विकासखंड पुनर्की थाना कुनरकी का ग्राम गजूपुर। तो वहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान श्री समीम अहमद जी हैं, वो हमारे शमशान भूमि जो हमारे वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि है उस पर ज़बरदस्ती से फुल तरीके से कब्जा कर लिया। उसमें हमारे जितने भी हमारे पूर्वजों की समाधियाँ थी वो साड़ी सब तोड़कर नाले एक गंदे नाले का पानी निकाला गाँव का, वो शमशान भूमि में निकाला है, उसकी सारी ईंटें उसमें लगवा दी और वहाँ पर जितने भी छोटे से बड़े पेड़ थे वो सारे प्रधान द्वारा काट लिए गए। मना करने पर वो नहीं माना और बल धमकी देने लगा कि अगर तुम्हें रहना है गांव में रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो तुमको गांव से भगा दूंगा। इस संबंध में किससे शिकायत किया आपने? इस संबंध में हमने थाना कुंदरकी थाना अध्यक्ष को सूचित किया, उनको लिखित सूचना दी। यहाँ किसके पास आए आप? यहाँ हम कप्तान एसएसपी साहब के पास आए ताकि हमारी मुलाकात तो हुई। आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत किया है आपके साथ।